A very good morning to all of you. I am Steha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart. And I welcome you to my YouTube channel, Gyanmat, the Temple of Knowledge. So, जैसा कि आप लोगों को पता है ज्ञान मठ पर मैं साइंस की न्यू सीरीज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जिसका नाम है डिटेल्ड न्यू एन साइंस सीरीज ऑफ क्लासेस टू ट्वेल्व जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसके फर्स्ट पार्ट में क्लास सिक्स का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड पार्ट वन वो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है आपके चैनल पे ज्ञान मठ पर अपलोड हो चुका है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये जो वीडियो है ये उसी का पार्ट टू है यानी क्लास सिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू वीडियो है ये कंपोनेंट ऑफ फूड का ठीक है सो so, कंपोनेंट ऑफ फूड के पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी ही आपको बताया जाया, बताया जा चुका है कि फूड क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उनको टेस्ट कैसे किया जाता है और इसके साथ क्या कहते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके यूजेस क्या होते हैं ये सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल्ड वे में आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप उसको जाके देखिए एंड देन कम टू वॉच दिस वीडियो ठीक है नाउ Let's start with our chapter that is Component of Food Part 2. So let's start our new uh, slide or our new part, Part 2 of the chapter. कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑफ फूड फूड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने फूड के बारे में जान लिया न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया है और वो कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में जान लिया है और साथ ही साथ ये भी जान लिया है कि उनकी यूजेस क्या होते हैं वो कितने हमारी बॉडी के फंक्शन में कौन सा न्यूट्रिय क्या काम करता है कौन से फंक्शन में वो यूज होता है ठीक है नाउ so अब हम अपने पार्ट टू पे आते हैं जो की है हमारा बैलेंस डाइट वॉट सो बैलेंस डाइट क्या होती है बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्लूडेड हो और जितनी अमाउंट में हमें चाहिए हो ये नहीं कि हम मान लीजिए प्रोटीन है तो वो प्रोटीन हमको हमारी बॉडी को जितने अमाउंट में चाहिए मान लीजिए मुझे uh, 28% प्रोटीन चाहिए होगा मान लीजिए मेरी बॉडी जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ट्वेंटी एट परसेंट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है लेकिन हम कितना ले रहे हैं हम ले रहे हैं थर्टी परसेंट प्रोटीन ले रहे हैं या मान लीजिए थर्टी फाइव परसेंट प्रोटीन ले रहे हैं या फिर हम ले रहे हैं कितने परसेंट प्रोटीन हम ले रहे हैं uh, 15 परसेंट प्रोटीन ले रहे हैं या 20 परसेंट प्रोटीन ले रहे हैं तो वो हमारे बैलेंस डाइट की कैटेगरी में नहीं आएगा बैलेंस डाइट की कैटेगरी मतलब बैलेंस डाइट में हमारे कौन सी डाइट आती है एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सारे न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिय सारे न्यूट्रिएंट्स का हम इनटेक करें इन द फॉर्म ऑफ फूड साथ ही साथ जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ना उससे ज्यादा ना उससे कम अगर एक हमारी फ़ूड की थाली है अगर हमारी एक थाली है उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी वैरायटी है जितने की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है

रहने के लिए जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं अब बैलेंस टाइट कहते हैं, ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाती हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट फूड कल्चर होता है फॉर एग्जांपल, अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो आपके दिमाग में चीजें क्या आती हैं? कौन से फूड आइटम आते हैं दाल मखनी आ जाएगा छोला भटूरा आ जाएगा मक्के की रोटी सरसों का साग आ जाएगा और अगर हम अपने मान लीजिए लेट सपोज हम बात करते हैं साउथ uh, स्टेट की साउथ में हम केरल स्टेट को अगर ले लेते हैं तो केरल स्टेट में हमारे दिमाग में कौन कौन से फूड मटेरियल्स आते हैं कौन कौन से फूड आइटम्स आते हैं उसमें हमारा आ जाता है uh, सर, वो आ जाएगा क्या कहते हैं डोसा आ जाएगा इडली सांभर चटनी राइस राइस आइटम्स तो यानी अगर आप देख रहे हैं तो फूड कल्चर हमारे फूड कल्चर हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट है पंजाब में जहाँ ज्यादातर हम वीट और कॉर्न और इन सब की बातें करते हैं वहीं अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में मोस्ट ऑफ द आइटम हमारे जो होते हैं वो राइस बेस्ड होते हैं यानी वो राइस से बनते हैं जो मेन इन्ग्रीडियंट जो मेन पार्ट होता है हमारे डिश का वो राइस का होता है वेयर एस अगर हम पंजाब या नार्थ स्टेट की बात करें ऑफ इंडिया नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें उसमें हमारे हमारे कौन से आ जाते हैं? उसमें हमारे आ जाते आ जाएगा, ये सारे हमारे आ जाते हैं? अलग अलग, है, अलग, -अलग मेटीरियल की वजह से पानी और उसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अलग अलग जगह पे जैसे नॉर्थ में गेहूं वगैरह ज्यादा होता है साउथ में जो है चावल वगैरह ज्यादा होता है लेकिन क्या होता है कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है अगर आप देखें तो राइस भी हमारा किसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है और हमारा वीट भी कॉर्न भी ये सब जितने भी हमारे ग्रेन्स आइटम हैं वो सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट के नीड को पूरा करते हैं तो डिस्पाइट ऑफ कि हमारा फूड कल्चर अलग है लेकिन जो हमारी थाली बन रही है जो हमारी न्यूट्रिएंट्स की थाली बन रही है वो बेसिकली सेम ही होती है जैसे पंजाब में हमारी दाल मखनी हो गई जो हमारी प्रोटीन की नीड को पूरा कर रही है कॉर्न मक्की की रोटी हो गई ठीक है जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की नीड को पूरा कर रही है बटर पंजाब में बहुत ज्यादा यूज होता है जो हमारी फैट की नीड को पूरा कर रहा होता है इसके अलावा सरसों का साग जो हमारी विटामिन और क्या कहते हैं मिनरल्स वाटर और रफेज की नीड को पूरा कर रहा होता है इसी तरीके से साउथ की अगर हम बात करें या केरल ट की हम बात करें तो वहां पे क्या होता है हमारा डोसा होता है डोसे में क्या होता है राइस होता है राइस में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है यानी वहां पे भी हमारी कार्बोहाइड्रेट की नीड पूरी हो रही है इसके बाद सांभर होता है सांभर में दाल होता है यानी प्रोटीन होती है तुअर दाल से सांभर बनता है अगर आप लोगों को पता हो तो सांभर में क्या होता है हमारी बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी होती है यानी हमारी वेजिटेबल्स की भी नीड पूरी होती है साथ में हमारी पीनट चटनी या कोकोनट चटनी होती है जिससे हमारी फैट और प्रोटीन की नीड भी पूरी होती रहती है तो इन शॉर्ट भले ही हमारे स्टेट का डिफरेंट खाना है उसके बावजूद हमारी जो प्लेट होती है वो हमेशा उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट एडिक्वेट अमाउंट में होते हैं जो हमारी बॉडी के नीड को पूरा कर सके यहाँ पे आप एक पाई चार्ट देख रहे हैं जहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सबसे ज्यादा हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं दैट इज फोर्टी इसके अलावा स्टाची यानी कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं थर्टी एट परसेंट वन परसेंट हमें चाहिए होता है ऑयल्स एंड स्प्रेड यानी जो हमारे फैट होते हैं इसके अलावा बीन्स पल्सेस एग अदर प्रोटीन हमें ट्वेल्व परसेंट चाहिए होता है और डेयरी एंड अल्टरनेटिव ऑयल्स डेयरी एंड अल्टरनेटिव यानी डेयरी प्रोडक्ट उसमें चीज आ जाएगा हमारा पनीर आ जाएगा टोफू टोफू सॉरी सोयाबीन से बनता है कर्ड आ जाएगी ये सारे यानी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं घी आ जाएगा वो सारी प्रोडक्ट कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में वो होती है हमारी 8% ठीक है सो so, ये क्लियर हो गया कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है और हमारी बॉडी को अलग-अलग तरीके से चाहिए होता है ये नहीं होता कि सारी चीजें में सेम अमाउंट में चाहिए होती है जितनी हम रोटी खाते हैं उतनी ही हम दाल नहीं लेते या जितना हम चावल लेते हैं उतनी ही हम दाल नहीं लेते हम अलग अलग चीजों की अलग अलग क्वांटिटी रखते हैं और उसी क्वांटिटी से हमारी बैलेंस डाइट बनती है ठीक है यहाँ पे हम आपको एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं दैट इज न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है जो पहले थी और अभी वो चेंज हो गई है वो चेंज कर दी गई है पहले जो हमारा माल न्यूट्रिशन था वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता था कि अगर किसी की बॉडी में अगर कोई इंसान या कोई बच्चा प्रॉपर एडुकुएट डाइट नहीं ले रहा है एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है और जिसकी वजह से उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है यानी डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही हमारा माल न्यूट्रिशन कहलाता था लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया है और अब जो न्यू डेफिनेशन आई है हमारी माल न्यूट्रिशन की वो क्या हो गई है कि माल न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है माल न्यूट्रिशन जो है अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है या फिर वो जो है वो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में वो उनकी डिफिशियंसी है या फिर उनको वो हमारी बॉडी में एक्सेस फॉर्म में है वो हमारी बॉडी में ज्यादा है या फिर उन का इम्बैलेंस है इम्बैलेंस क्या हुआ आई होप आप आप लोगों लोगों को को क्लियर हो हो रहा हूं. मैं फिर से समझाती हूँ वॉट इज माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन क्या है माल न्यूट्रिशन इज द डिफिशियंसी एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिय यानी अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की या सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है यानी कमी है तो भी वो किसकी कैटेगरी में आएगा तो भी वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा अगर हमने बहुत ज्यादा खा लिया मान लीजिए कोई इंसान है जो प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहा है या बहुत ज्यादा वो जा, वो हर समय उसकी फिजिकल एक्टिविटी एक, एकदम है वो कोई काम नहीं कर रहा और वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है तो क्या होगा उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे जो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे तो यानी अगर किसी की बॉडी में न्यूट्रिय ज्यादा है तो भी वो किसकी कैटेगरी में आएगा माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा थर्ड वन इज इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिय लेट सपोज आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है आपने बहुत ज्यादा आपको चावल बहुत पसंद है तो आप भर भर के चावल खाते हो मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बनाती है दाल चावल रोटी सब्जी ठीक है तो आपको जो है चावल बहुत पसंद है आपको रोटी बहुत पसंद है आपने चावल और रोटी तो भर भर के खा लिया लेकिन प्रोटीन के लिए दाल नहीं खाई विटामिन और मिनरल्स के लिए सब्जियां नहीं खाई किसी तरह का कोई अः क्या कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं लिया तो इसकी वजह से क्या होगा आपकी बॉडी में बाकी न्यूट्रिएंट्स की तो कमी हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा यानी न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा वो बैलेंस फॉर्म में नहीं रहेंगे हमारी बॉडी को जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में नहीं रहेंगे ठीक है क्लियर हो गया व्हाट इज मॉल न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज बैलेंस डाइट नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे एक बैलेंस डाइट किया बैलेंस डाइट क्या फूड आइटम का वो बना रखा है जिसमें आपका दाल है तुअर दाल है भिंडी की सब्जी है गोभी की सब्जी है और डेयरी प्रोडक्ट है यहाँ पे आपका रायता है पनीर की सब्जी है पापड़ है सैलड है अचार है ठीक है सो so आपको एक प्रॉपर यहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स की पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी ठीक है अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो है सारे जितने भी लोग हैं यानी एक छोटे से इन्फेंट से लेके जो एक बच्चा पैदा होता है उससे लेके एक सत्तर अस्सी साल के बूढ़े तक क्या हर किसी को सेम अमाउंट में डाइट चाहिए होगी यानी उनका प्रोटीन परसेंट उनका कार्बोहाइड्रेट परसेंट उनका फैट परसेंट क्या वो इक्वल होगा यानी आप एक जो पैदा हुए बच्चे को जो डाइट दे रहे हैं क्या आप वही डाइट एक 20-25 साल की 20-25 साल के इंसान को देंगे या फिर 70 अस्सी साल के इंसान को सेम डाइट देंगे क्या ये ऐसा पॉसिबल है क्या हम ऐसा करते हैं आपने अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखा होगा कि ऐसा नहीं होता जब एक छोटा बच्चा जब एक इन्फेंट है तो हम उसे बहुत ही मिनिमम डाइट देते हैं या ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ किस पे फीड करता है वो सिर्फ जो है रहता है मिल्क पे वो उसकी सारी बॉडी के रिक्वायरमेंट जितनी भी उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो उसको फिलफिल कर देता है हमारा मिल्क ठीक है सेम एस जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है तो हम उसे फूड इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं हम उसमें ऑयल की मात्रा बहुत कम रखते हैं कहा जाता है कहा नहीं जाता है ये होता ही है दो साल तक बच्चों को नमक और शुगर नहीं देना चाहिए यानी उनकी जो बॉडी होती है वो सॉल्ट और शुगर को एब्सॉर्व करने के लिए या उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए सुटेबल नहीं होती है और इस वजह से दो साल तक के छोटे बच्चों को जो दो साल तक के इन्फेंट्स होते हैं टॉडलर्स होते हैं उनको जो है सॉल्ट और क्या कहते हैं शुगर नहीं दिया जाता उनको सॉल्ट और शुगर से दूर रखा जाता है हालांकि हम उन्हें फूड से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं पतली सी खिचड़ी बना देते हैं या चावल देते हैं या फ्रूट का जूस देना स्टार्ट कर देते हैं सो so, हम उन्हें फ्रूट देना फूड uh, से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं यानी उनकी नीड चेंज हो जाती है उनकी बॉडी नीड चेंज हो जाती है नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा है कि जो उससे बड़े होते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और साथ में जैसे जब जो एकदम बूढ़े हो जाते हैं उनका हम फैट और कार्बोहाइड्रेट परसेंट बहुत कम कर देते हैं जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है सो बेसिकली इन शॉर्ट हम यहाँ पे यहाँ पे मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग होते हैं उनकी बॉडी नीड डिफरेंट होती है सेम एस फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना आ, प्रोटीन या कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी न्यूट्रिएंट्स नीड अलग होंगी अगर आप कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं आपका काम ज्यादा ब्रेन वाला है या ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बैठे रहने वाला काम है आपका तो आपकी जो बॉडी नीड होगी आपकी जो न्यूट्रिय नीड होगी वो अलग होगी सो डिफरेंट पर्सन की बॉडी नीड और न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफरेंट होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए ठीक है नाउ कम्स टू नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड

इंसान हर बॉडी टाइप की न्यूट्रिएंट्स नीड अलग अलग होती है वो आपकी फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज आपकी एज और आप किस एरिया में रह रहे हो उस एरिया पे डिपेंड करती है एरिया का क्या होता है मान लीजिए जब आप बहुत गर्मी वाले एरिया में रह रहे हो तो वहां पे आप थोड़ा कम खाओगे आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी सेम एज ठंडी के टाइम में क्या होता है आप ज्यादा खाना खाते हो अगर आप ठंडी वाली प्लेसेस पे हो ठंडी जगहों पे हो इसके पीछे का रीजन क्या है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो अपने आप को वार्म रखने के लिए क्या कहते हैं रोटी खाओ रोटी से अनाज खाओ आपकी मम्मी कई बार आपसे कहती होंगी अनाज खाना जरूरी है अनाज से गर्मी आती है सो so, क्या होता है जितना आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना आपकी बॉडी एनर्जी रिलीज करेगी और उस एनर्जी रिलीज की वजह से आपकी बॉडी जो है वो वार्म रहने में हेल्पफुल होता है वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है ठीक है सो वेस्ट ही जो होते हैं, उनकी भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीड होती है और जो कि वो अपने फूड से फुलफिल करते हैं यहाँ पे देखिए आपको अपने इमेज पे आपकी स्क्रीन पे आपको तीन इमेजेस दिख रही होंगी एक है काउ है हमारा एक हमारा पोलर बियर है और एक हमारी कैट कैटेगरी में आता है यानी इनमें क्या है कि ये जो है Uh, अलग अलग फूड मटेरियल खाते हैं अलग अलग फूड uh, आइटम्स को खा के अपनी न्यूट्रिएंट्स नीड को पूरा करते हैं तो इन शॉर्ट हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ एनिमल्स भी एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है उनको भी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है और साथ ही साथ उनकी जो न्यूट्रिय नीड होती है वो अलग होती है और वो जो है उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग ही होती है जैसे जो पोलर बियर होता है हमारा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पोलर बियर की एग्जाम इमेज दिख रही होगी जो हमारा पोलर बियर होता है वो बहुत ही ठंड वाले इलाके में रहता है और उसके बाद जब ठंड स्टार्ट होती है वहां पे तो क्या होता है उसे फूड मिलना बंद हो जाता है तो उसका क्या होता है जिस समय गर्मियां चल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा खाना खाता है मछलियां खाता है बहुत ज्यादा उसको नीड होती है फूड की वो खाना वो खाता ही जाता है वो पूरे टाइम गर्मियों भर खाता ही रहता है जिससे जब ठंडियाँ तो उसकी बॉडी वार्म रह सके और फूड की अन अवेलेबिलिटी में उसने जो अपनी बॉडी में फैट इकट्ठा किया है उस फैट की वजह से वो सर्वाइव कर सके उस फैट को कंज्यूम करके वो अपने आप को उस ठंड वाली जगह में और बिना फूड के अपने आप को रख सके जिंदा रख सके सर्वाइव कर सके ठीक है क्लियर हो गया नाउ कम्स टू दस्ट स्लाइड अब देखिए सॉरी अब देखिए न्यूट्रिशन लॉस इन फूड जब हम बहुत सारे न्यूट्रिशन जो फूड के अंदर होते हैं वो प्रिपरेशन के दौरान जब हम अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं जब हम उसे कुक करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं फूड में से क्या क्या रीजन होता है देखिए सबसे पहला क्या होता है जब हम अपने फूड को वॉश करते हैं मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाटर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है वो न्यूट्रिय को अपने अंदर डिजोल्व करके एब्सॉर्व कर लेता है सो so, सेम काम वो हमारी बॉडी के आउटसाइड भी करता है जब हम अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो है वाटर में डिजोल्व होके पानी के साथ बह जाते हैं सेम एज हमारे राइस और पल्सेस के साथ भी होता है जब हम उन्हें बहुत ज्यादा वॉश करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी के साथ लॉस हो जाते हैं बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उसके साथ लॉस हो जाते हैं इसके अलावा हीटिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा कॉज है न्यूट्रिय लॉस लॉस का वो है हीटिंग बहुत जब ओवर हीटिंग हम किसी भी चीज की करते हैं तो उस समय हमारे जो फूड आइटम्स हैं उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिय जो है वो लॉस हो जाता है बहुत सारा न्यूट्रिय खत्म हो जाता है एक सबसे बहुत आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब भी किचन में काम कर रही होती है मम्मी पापा या जो भी आपके किचन में खाना बना रहा होता है वो कभी भी क्या होता है कोई भी सिट्रस फूड को डायरेक्ट जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं करता आप लोग पोहा खाते होंगे और पोहे में नींबू पड़ता है लेमन पड़ता है तो उस लेमन को क्या किया जाता है हमेशा गैस ऑफ करके तब हम उस लेमन को डालते हैं अपने पोहे में रीजन क्या होता है कि जैसे ही एक्सेस हीट हमारे विटामिन सी को मिलती है विटामिन सी अपने आप नष्ट नस... हो जाता है खत्म हो जाता है यानी विटामिन सी जो है वो लॉस हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही उसको ओवर हीट में हम रखते हैं इसी वजह से कभी भी हम किसी हीट पे बहुत ज्यादा कुक so, अच्छा है uh, हम कुकिंग हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है लेकिन वो न्यूट्रिशन को लॉस कर देती है सो so, इसका जो तरीका है वो क्या है कि हमें रॉ वेजिटेबल्स रॉ मतलब सैलेड बहुत सारा लेना चाहिए जिसकी वजह से हमें जितना ज्यादा ज्यादा हो सके न्यूट्री न्यूट्रिशन उन वेजिटेबल से उन फ्रूट से मिलता रहे तो हमें उन्हें रॉ फॉर्म में जितना हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं उतना हमें उन्हें रॉ फॉर्म में खाना चाहिए ठीक है नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड डिफिशियंसी डिजीज देखिए हमारी बॉडी में जब अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की और जब हमारी बॉडी में इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती उसमें बहुत तरीके की डिजीजेस आ जाती हैं और उन्हीं डिजीजेस को हम क्या कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस डिफिसियंसी डिजीजेस मतलब जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिय की कमी हो गई है यानी वो डिजीज जो न्यूट्रिय की कमी की वजह से हमारी बॉडी में अराइज हुई है पैदा हुई है उनको हम क्या कहते हैं Deficiency, diseases, से? Nutrients की कमी की से. Clear हो गया ये चीज लेकिन एक, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि डिफिशियंसी डिजीज ये नहीं होता जैसे मान लीजिए लेट सपोज आपने एक मतलब अगले दिन जो बीत गया है दिन उसमें आपने पूरा एडिक्वेट डाइट ली है पूरा अच्छे से प्रोटीन खाया है फैट खाया है सब कुछ खाया है लेकिन आज, आज आपको किसी वजह से खाना खाने का टाइम नहीं मिला आप ट्रैवलिंग में थे या आप कहीं पे भी थे आपको खाना खाने का टाइम नहीं मिला और आपने बर्गर खा लिया या आपने कुछ भी एक फूड आइटम खा लिया आपको रोटी मिली आपने सिर्फ रोटी खा ली तो आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी या आपको विटामिन की डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी ऐसा नहीं होता है जब बहुत लॉन्ग पीरियड तक हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट uh, की कमी होती है तब जो हमारी बॉडी जो है फंक्शन करना अनफंक्शनल हो जाती है प्रॉपर फंक्शनल नहीं कर पाती है तब जो हमारी बॉडीज में डिजीज एराइज होती है उसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं यानी डिजीज डेट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिय ओवर अ लॉन्ग पीरियड यानी बहुत टाइम तक अगर हमारी बॉडी में uh, किसी मेटीरियल का uh, लैक हो रहा है न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं चल क्लियर हो गया कि डिफिशियंसी uh, डिजीज क्या होती हैं कि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो गई है किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई है उसकी वजह से जो डिजीज हमारी बॉडी में एराइज हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं ठीक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी में बहुत टाइम से प्रोटीन की कमी हो रही है लाइक सपोज हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो क्या होगा ग्रे हेयर्स हो जाएंगे हेयर हमारे ग्रे हो जाएंगे चेहरा जो है वो स्वेल कर जाएगा यानी चेहरा जो है वो सूट जाएगा प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की मतलब वो जो है वो ड्रॉप हो जाएगा या वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही होगी डेवलप नहीं कर रही होगी और उसके माइंड में उसका माइंड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा सो ये सारी दिक्कतें आ जाएगी हमारी जो है प्रोटीन की कमी से सेम है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होगा हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाएगी जिसको जिसकी में कमी उसकी में उसकी बॉडी एनर्जी नहीं रह जाएगी वो कोई काम कर नहीं पाएगा उसकी बॉडी में ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और कोई भी काम करने में उसे बहुत जल्दी थकान होगी और एक टाइम आएगा कि वो कोई भी काम अपने आप से कर ही नहीं पाएगा उसके वो जो है वो दूसरों पर डिपेंड हो जाएगा अपने हर काम के लिए क्योंकि उसकी बॉडी बॉडी में जो है एनर्जी ही नहीं होगी उसकी बॉडी में आ, प्रोटीन ही नहीं होगा उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होगा जिसकी वजह से वो कोई काम कर पाए वो कोई एक्टिविटी कर पाए और इस वजह से वो एकदम वीक हो के, उसकी वीक हो जाएंगी, उसकी उसकी मसल्स जाएंगी पूरी बॉडी वीक हो जाएगी और वो कोई भी काम अपने आप से खुद से कर नहीं पाएगा वो जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी ठीक है क्लियर हो गया अब हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चल के अः विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीजेस के बारे में हम इस टेबल में इस टेबल में आपको दे रखे हैं कि विटामिन से कौन सा होता है और नीचे जो है वो मिनरल्स भी दे रखे हैं यहाँ टेबल में मिनरल्स का नाम मेंशन होना मिस हो गया है सो so, Uh, कौन कौन से और मिनरल्स हैं पे उनके नेम दिए हुए हैं कौन सी डिफिशियंसी डिजीजेस होती हैं इनसे कौन सा डिसऑर्डर होता है और उस डिजीज uh, के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं यानी अगर उस बो, आपकी बॉडी में उस न्यूट्रिय उस पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की कमी हो रही है तो आपकी बॉडी क्या क्या सिम्टम्स आपको शो, शो करेगी जिससे आपको पता चल जाए कि मेरी बॉडी में यक इन मतलब जो सामने वाला है जिसकी बॉडी में आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं हमारा पहला है विटामिन ए आपको पता है विटामिन ए जो है हमारा कैरेट पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैरेट पे बहुत ज्यादा होता है आप लोगों ने सुना होगा मम्मी हमेशा कहती है कि कैरेट खाइए कैरेट खाने से क्या होता है कैरेट खाने से हमारी आईसाइट अच्छी होती है हमारी आंखों के लिए लिए बहुत अच्छा होता है तो क्यों हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि विटामिन ए जो है वो हमारी आइस की हेल्थ के लिए आ, वो होता है क्या कहते हैं आइस की हेल्थ हेल्थ को कंसीडर करता है

बंद हो जाएगा इस डिजीज का नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस आपने सुना होगा यानी रात के समय आपको दिखना बंद हो जाए रात के समय आप ब्लाइंड हो जाएं तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं अगर किसी को रात के समय नहीं दिख रहा है वो रात को नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस है उसे और उसकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है ठीक है समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन जब ज्यादा डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन की विटामिन ए की तो क्या होता है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है नेक्स्ट वन इज अवर विटामिन बी वन ठीक है इससे इस की डिफिशियंसी से हमें क्या होता है बेरीबेरी -बेरी डिजीज होती है इसमें क्या होता है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क यानी आपकी मसल्स जो है जिसको ये डिजीज होगी जिसकी बॉडी में विटामिन बी वन की कमी होगी उसकी मसल्स जो है बहुत वीक हो जाएंगी और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा उसकी मसल्स में इतनी पावर नहीं बचेगी कि वो कोई चीज होल्ड कर सके या कोई एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी कर सके ठीक है तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है कोई भी काम करने के लिए और साथ साथ मसल्स जो है बहुत ही वीक हो जाती हैं इन द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन कौन सी डिजीज होती है बेरी बेरी नेक्स्ट विटामिन सी विटामिन सी से हमें विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है स्कर्वी होती है स्कर्वी में क्या होता है ब्लीडिंग गम्स होते हैं एंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील ठीक है Wounds को क्या होता है वाउंड को लॉन्गर टाइम लगता है अगर आपको कोई कट लग गया है आपकी कोई चोट लग गई है तो वो अपने आप जो है धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो क्या होती है ठीक हो जाती है लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो क्या होगा आपको अगर एक बार कोई चोट लग गई आपको कोई कट लग गया तो आपकी बॉडी जो है वो हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी उसे हील होने के लिए बहुत समय लगेगा वो जल्दी हील नहीं होगा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा बार बार उसपे इन्फेक्शन होता रहेगा वो बाउंड जो है वो फिलर नहीं होगा मतलब वो कॉन्टिन्यूस आपको वो वाउंड परेशान करता रहेगा वो वाउंड हील नहीं होगा किसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है साथ ही साथ ब्लीडिंग गम्स अगर आपके जो गम्स हैं आपके जो तीत के अंदर जो मसूड़े हैं अगर उनसे बार बार गम आ, आ सॉरी बार बार ब्लड आ रहा है बार बार उनमें से ब्लड निकल जा रहा है बिना किसी चोट लगे या वो कॉन्टिन्यूस कभी भी आप ब्रश हल्का सा कर रहे हो ब्रश लग गया या थोड़ा सा भी कोई चोट लग गई या ऐसे भी आपके जो ज्वाइंट है मतलब जो जहाँ पे आपका तीत और गम आपस में ज्वाइन होता है वहां से लगातार आपके अगर ब्लड निकल रहा है तो ये सिम्टम है किस बात का कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है ठीक है नाउ कम्स टू नेक्स्ट विटामिन डी विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेट्स नाम की बीमारी होती है रिकेट्स नाम की डिजीज होती है और इसमें क्या होता है जो हमारी जो जिसको ये डिजीज होती है उसकी जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और सॉफ्ट होके वो मुड़ जाती है जैसे लेट सपोज ये मेरी फिंगर है तो ये फिंगर ऐसे मुड़ जाएगी या फिर ये ये मेरा जो ज्वाइंट है ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और ये स्टिफ नहीं रहेगा मतलब हम इसे स्टिफ होल्ड नहीं कर पाएंगे अगर हम इसे स्टिफ होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो बेंड हो जा रहा है सॉफ्ट होके या फिर मेरी फिंगर ऐसे बेंड हो जा रही है तो ये क्या है किस बात की आ, आ, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी का सिमटम है विटामिन डी की डिफिशियंसी का सिमटम्स है जिसकी वजह से जिस बीमारी का क्या नाम है जिस डिजीज का क्या नाम है रिकेट्स क्लियर हो गया नाउ मिनरल्स की बात करते हैं कैल्शियम कैल्शियम आप जानते हैं हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जो बोन्स होती हैं वो मेनली जो बनी होती हैं वो कैल कैल्सियम से ही बनी होती है और भी बहुत सारे मिनरल्स uh, होते हैं इसमें लेकिन जो मेन मिनरल होता है जो मेन इंग्रेडिएंट हमारी बोन का होता है वो क्या होता है कैल्शियम तो जब कैल्शियम की कमी हमारी हमारी बॉडी में हो जाएगी इसका मतलब कैल्शियम किसे इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी की बोन को इफेक्ट करेगा ठीक सो so, इसमें क्या होता है हमारे जो तीत होते हैं वो भी किसके बने होते हैं कैल्शियम के बने होते हैं सो so, जो ये जो दो हमारे मेन बॉडी पार्ट है ये उन्हें ही इफेक्ट करता है जो कैल्शियम से बने होते हैं दैट इज हमारी बोन और हमारे तीत इसमें क्या होता है बोन एंड ऑट डीके यानी वो क्या होते हैं कमजोर होने लगते हैं धीरे-धीरे उनका डीके होने लगता है कैल्शियम उनका मतलब धीरे-धीरे खत्म होने लगता है धीरे-धीरे वो कमजोर होने लगते हैं उनका डीके होने लगता है क्लियर हो गया नेक्स्ट वन इज हमारा आयोडीन आयोडीन में क्या होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारा होता है ग्वाइटर नाम की डिजीज क्या नाम होता है ग्वाइटर ग्वाइटर डिजीज में क्या होता है ग्वाइटर डिजीज में हमारे ये यह यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसमें स्वेलिंग आ जाती है यानी वो फूल जाती है ठीक है और इसी स्वेलिंग को जो है हम क्या कहते हैं ग्वाइटर जब हमारी ये पे जो ग्लैंड है जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उसी डिजीज को हम कहते हैं ग्वाइटर और ये होती है हमारी आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से ग्लैंड इन द नेक अपियर स्वेल इन मेंटल सॉरी मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन यानी बच्चों में जो है वो मेंटल mental... डिस आ जाती है, है मतलब वो वो उनका दिमाग जो है, वो वर्क नहीं कर पाता, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो हमारे नेक के पास ग्लैंड होती है उसमें जो है स्वेलिंग आ जाती है और ये हमें आयोडीन कहाँ मिलता है आपको पहले ही बता चुके हैं जिंजर है हमारा सॉल्ट है इन सब में हमारा आयोडीन होता और इसमें क्या होता है ये ब्लड की बीमारी होती है जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आयरन जो है वो बेसिकली हमारे ब्लड uh, को प्रॉपरली फंक्शन करने के काम आता है या ब्लड का इनग्रीडियंट होता है और ब्लड को ब्लड में मिला हुआ होता है सो so, इसकी वजह से आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है एनीमिया क्या है एनीमिया बेसिकली हमारी एक ब्लड डिजीज है जिसमें हमारे ब्लड में से आयरन कम हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगती है बहुत ज्यादा हमें थकान महसूस होने लगती है हम कोई काम नहीं कर पाते हैं और कोई काम करने का मन नहीं लगता सो ये हमारी हो जाती है एनीमिया इस तरह से हमारा ये टेबल कंप्लीट हुआ यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे कैल्शियम के पास पे ग्लैंड इन द नेक ये दोनों सेम आ गया है लेकिन इसका जो मैंने है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है सो कोई इशू नहीं है थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया है सो प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है ये चैप्टर खत्म होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट वन पार्ट टू में ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया अब अगर आप चाहते हैं कि हमें ज्वाइन करना हमारे चैनल हमारे पेजेस को ज्वाइन करना तो उनकी लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रही है आप इजली जाके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी सो आप चाहिए तो उस पर क्लिक करके और वहां पे उससे ज्वाइन यहाँ वो पेजेस ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें आपको जितनी भी हमारे चैनल के बारे में न्यू वीडियो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इन पेजेस पे अवेलेबल होंगी सो प्लीज गो एंड ज्वाइन दीज पेजेस आप आज हमारा सेशन कंप्लीट हुआ थैंक यू सो मच ज्वाइनर्स ज्वाइन ज्ञानमठ नमस्ते